मैं जय प्रकाश भाई पटेल, झारखंड के हजारीबाग रामगढ़ जिला, चूँकि मेरा रामगढ़ जिला में मांडू विधानसभा पड़ता है और हजारीबाग दो जिला पड़ता है, लेकिन रामगढ़ नोडल जिला, इसलिए रामगढ़ जिला के मांडू से विधायक हूँ और लगातार तीसरी बार मैं विधायक बना हूँ। और पूर्व में भी 2013 में से लेकर 2014 नवंबर तक, अगस्त में मैं राज्य का कैबिनेट मंत्री का शपथ लिया था और पेयजल, स्वच्छता और उत्पाद मद निषेध विभाग, दो विभाग का मैं मंत्री झारखंड में रहा हूँ। उसके बाद फिर 2014 के चुनाव में जीत कर मैं विधायक बना, फिर 19 जीता, लगातार तीसरी बार। और वहाँ की जनता का अपार प्रेम और जन समर्थन प्राप्त है, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की जनता को साधुवाद और धन्यवाद आपके माध्यम से दूंगा, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज इस NLC कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हो पाया। और सबसे पहले मैं NLC के जो आयोजक हैं, इन सबों को मैं साधुवाद, धन्यवाद, विशेष रूप पर साधुवाद दूंगा, क्योंकि देश में पहली बार इतिहास में एक ऐसा सोच बना है कि सभी दल के विधायक एक मंच पर आने का हम सबों को मौका मिला है। निश्चित रूप से क्षेत्र में समस्याएं तो अनेक है और विधायक के नाते बहुत सारी समस्या मैं समाधान भी कर लेता हूं, कुछ नहीं भी कर पाता हूं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वहां पर उद्योग, कल कारखाने, वहां पर टाटा कंपनी, भारत सरकार की कई कंपनियां स्थापित है, उपक्रम वहां भारत सरकार के उपक्रम, बहुत सारी समस्या नहीं भी कर पाता हूं, लेकिन लगातार लोगों की बातों को मैं अपने विधायक की के अपने विधायक के नाते पत्राचार के माध्यम से प्रशासन से बातचीत के लगातार मैं वहां की समस्या को निरंतर समाधान करने का प्रयास करता हूं। निश्चित रूप से चूँकि पहला इलेक्शन का एक अलग सा अनुभव रहा है, चूँकि मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ, राजनीति के क्षेत्र में, बचपन से ही मैं राजनीति में हमेशा तत्परता दिखाता रहा हूँ, चूँकि हमारे पिताजी पहले कई बार, लगातार 5 बार वो विधायक चुने गए हैं, 1 बार सांसद चुने गए, तो बचपन से मैंने राजनीति को देखा है। तो चुनाव पहला जो है, सबसे पहला चीज़ है, मैं पहला चुनाव तो जीता, लेकिन पहला चुनाव जीतने के समय मुझे कुछ दुख थी, क्योंकि हम उपचुनाव जीते हैं। मेरे पिताजी के निधन के बाद मैं उपचुनाव लड़ा, वहाँ बाईपोल इलेक्शन हुए और पिताजी के जो क्षेत्र में कार्य हुए उनसे लोग प्रभावित थे, उनके मतलब उनके किए गए कार्य से प्रभावित होकर वहाँ की मांडू की जनता ने मुझे उपचुनाव जिता कर भेजा। इसलिए निश्चित रूप से पहला चुनाव एक अपने आप में एक अलग चुनाव था, चूँकि मैं कम उम्र का था, 25-26 साल के उम्र में विधायक बन गया, फिर मंत्री बन गया, तो निश्चित रूप से पहला चुनाव मेरे लिए एक ऐतिहासिक रहा। निश्चित रूप से मैं झारखंड की राजनीति करता हूं, तो वहां पर पहले तो मैं जहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है वहां तो मैं सबसे पहले विनोद बिहारी महतो है, जो झारखंड आंदोलन के जनक थे। मेरे पिताजी खुद एक झारखंड आंदोलनकारी थे, वो भी झारखंड के अग्रणी योद्धा थे, तो विनोद बाबू और टेकलाल बाबू को मैं सबसे पहले राजनीति के रूप में आगे देखता हूँ, जिनके मार्ग भी ऐसे मैं राजनीति में आया। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर सभी लोग, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे बहुत बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे आम आदमी हो, सभी को एक समान संविधान के माध्यम से उनको अधिकार प्राप्त है। ये सबसे बड़ा खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र का। निश्चित रूप से युवा को समय समय पर देश तो बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, युवा सोच का एक अलग माहौल बन रहा है और हर क्षेत्र में, हर प्रदेशों में देश के देखिएगा कि अब प्रत्येक दिन प्रतिदिन नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक समय था पुराने लोग थे, लेकिन नए सोच के साथ नए युवा आ रहे हैं और नए तकनीक के तहत वो लोग राजनीति जो कर रहे हैं, अभी के युवा जो सोच है वो ये नहीं समझ पा रहे कि विधायक और सांसद क्या कर सकता है।
आज हम अपनी सीमाएं, हमारी एक सीमा है, कोई भी सांसद विधायक का कार्य करने का एक सीमा है, वो सीमा से बाहर नहीं जा सकते। और इस देश में एक चीज़ देखने को मिला है कि तीन ही व्यक्ति है जो हर कार्य को कर सकता है अपने आदेश के अनुसार। जिला में वो डीएम का पद हो, राज्य में सीएम का पद हो, चाहे देश में पीएम का पद हो, ये तीन ही पद है जो सीधा सीधी धरातल पर कोई कार्य कर सकता है। बाद बाकी सांसद विधायक दूसरे को निर्देश कर सकते हैं, जब तक पदाधिकारियों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हम कार्य नहीं पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग शुरुआत बचपन से ही राजनीति के क्षेत्र में रहा हूँ और हमारे बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, सब पूरा परिवार समझ गया कि इनका जीवन सभी के साथ, मतलब घर परिवार पूरा विधानसभा ही परिवार के जैसा है। इसलिए मुझे नहीं पता चलता है पर्सनल जीवन, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ तो पब्लिक के साथ रहता हूँ, सोने से पहले 12 बजे रात तक क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ, तो मुझे अपना पर्सनल जीवन कुछ भी पता नहीं चलता है, सब जनता के नाम पर है। क्योंकि सुबह उठते ही मैं घर में किताब, मतलब पेपर पढ़ूँ या चाय लूँ, उससे पहले पब्लिक मेरे दरवाजे में आ गए, उनकी समस्या का मैं समाधान करने में लग जाता हूँ। और कहीं भी, क्योंकि लंबे समय से मेरा क्षेत्र वहाँ जो है मांडू विधानसभा, वो 5 बार मेरे पिताजी चुनाव जीते, 3 बार हम जीते, 8 चुनाव जब एक परिवार के लोग वहाँ जीते हो तो पूरा क्षेत्रीय परिवार के जैसा हो जाता है। इसलिए मुझे अपने जीवन का बहुत ये नहीं, चूँकि मैं दिन रात सुबह अपने क्षेत्र के बारे में चिंतित रहता हूँ।